ओके सो YouTube पे काफी न्यू क्रिएटर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई कंपटीशन भी बहुत बढ़ रही है। अब इस कंपटीशन को बीट करके वही निकलते हैं जिनका स्किल तगड़ा होता है। उन्हीं में से एक बंदा है ट्यूब सेंसी, जिसने कुछ ही वीडियो में 40K प्लस सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लिया। पर कैसे? अब रीजन तो काफी सारे हैं, बट उनमें से मेन कुछ होगा तो वो है वीडियो एडिटिंग। सो आज मैं ट्यूब सेंसी की लेटेस्ट वीडियो को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जिसे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ट्यूब सेंसी अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट करता है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया, तो हल्के में मत लेना। अब ये पूरे ब्रेकडाउन को खत्म करने के लिए तीन एप्स की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट इज कैपकट, सेकेंड पिक्सल ऐप एंड थर्ड काइनमास्टर। बट यहाँ पे काइनमास्टर ऑप्शनल है। सो लेट्स बिगिन। ओके सो जरा इस वीडियो पे नजर घुमाओ। ऑलराइट, तो इस 12 सेकंड की वीडियो को मैं एडिट करके बताने जा रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा होगा बट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स सी। ओके तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए गूगल से एक ग्रिड बैकग्राउंड को डाउनलोड करके ऐड कर लिया हूँ, और इसकी टाइमलाइन को 12 सेकंड तक एक्सटेंड भी कर लिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऐड करूंगा जो पिक्सल में पहले ही बना लिया था। इसके लिए क्लिक करूंगा ओवरले पे, अगेन ऐड ओवरले पे, और इस टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे। अब इसकी साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड फिर इसके टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इतना हो जाए तो इसको अपर साइड में हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डायमंड शेप पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ से आगे की तरफ स्लाइड करके एंड देन इस टेम्पलेट को फिर उसी जगह पे सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्ले करके भी चेक करते चलूँगा कि स्मूथ एनिमेशन बन रहा है या नहीं। अब जैसे मुझे ये बेकार लग रहा है तो स्मूथ बनाने के लिए क्लिक करूँगा ग्राफ आइकन पे, और फिर यहाँ से ईजी आउट 3 को सिलेक्ट कर लूँगा। सो या काफ़ी सही है। अब यहाँ पे एक या दो सेकेंड स्लाइड करके दूसरा टेम्पलेट को लेके आता हूँ। अब इसकी साइज को मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ा, अगर तुम्हारे केस में करना पड़े तो कर लेना। अभी के लिए मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन जब दूसरा टेम्पलेट आ गया तो पहले वाले का क्या काम? जहाँ से दूसरा टेम्पलेट ऐड किया हूँ उसी जगह से फर्स्ट टेम्पलेट को स्प्लिट कर दूंगा, सिंपली स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करके, और फिर इसको डिलीट भी कर देता हूँ। एंड देन अब एक और टेम्पलेट लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड फिर थोड़ा डिस्टेंस बना के इसको मैं साइड में कर लूँगा। अब इतना याद रखो कि जब भी की फ्रेम देना उसी ग्राफ ऑप्शन में जाके और उसी एनिमेशन को ले लेना है, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार नहीं बोलने वाला। इसी तरह तीसरा टेम्पलेट को लेके आता हूँ। तीसरा टेम्पलेट को ऐड करने के बाद इसको भी मैं फटाफट से एनिमेशन दे देता हूँ। अब इस पार्ट पे फोर्थ टेम्पलेट को ऐड करूँगा और फिर इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ। एंड अगेन तीसरे टेम्पलेट का कोई काम नहीं है, तो यहाँ से मैं स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ। अब लेके आऊँगा फिफ्थ टेम्पलेट को। अब इसके लिए तो जगह ही नहीं हुआ, तो जगह बनाने के लिए पहले दो टेम्पलेट को साइड में करना है मुझे। तो क्लिक करता हूँ इस पे और एक की फ्रेम दे देता हूँ। अगेन थोड़ा स्लाइड करता हूँ एंड इसको थोड़ा छोटा करके इस जगह पे प्लेस कर लूँगा। यही चीज़ इसके साथ भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे जगह बन गया, लेकिन इसकी साइज अभी भी बड़ी है, तो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इतना हो जाए तो इसमें मैं फटाफट से एनिमेशन दे देता हूँ। सो बस यार, मैं फाइनल एनिमेशन रेडी कर लिया हूँ, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सो या इट्स टू गुड। अब करना ये है कि इस जगह पे आके और पीछे जो ग्रिड बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इसी जगह पे एक की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा एंड फिर थोड़ा आगे करके इस बैकग्राउंड को जूम आउट कर लेता हूँ। अब फिर से ये जो फर्स्ट वाला की फ्रेम पॉइंट है उसी जगह से इन टेम्पलेट को भी जूम आउट करना है, तो अगेन एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर लेता हूँ एंड फिर इस जगह पे जूम आउट कर लूँगा। इसी मेथड को ये दोनों टेम्पलेट्स में भी अप्लाई करूंगा। सो फाइनली मैंने एक काम भी कर लिया है, सो देखते हैं एक बार। वाओ, आफ्टर दैट ये जो पॉइंट है इसके थोड़ा पीछे आऊंगा और फिर एक पीपुल क्राउड का पीएनजी को ऐड करूंगा। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो इसके मिडल में थोड़ा सा खाली जगह दिख रही होगी, बस इसी का फायदा उठाना है। तो इस पार्ट पे पहले जूम कर लेते हैं लाइक दिस।
अब जूम कर लो तो इस की फ्रेम के स्टार्टिंग पॉइंट से इसको भी एनिमेट करना है, तो एक की फ्रेम दे देता हूँ। और फिर जो टेम्पलेट्स का एंड पॉइंट है उसके थोड़ा ही पीछे इस इमेज को जूम आउट कर लूँगा, और जूम आउट करते वक्त सेम जगह से जूम आउट कर लेता हूँ, मीन्स जो खाली जगह था वहीं से करना है इसको। अब इतना हो जाए तो फिर से ग्राफ में जाके ईजी आउट 3 को सिलेक्ट कर लूँगा। सो फाइनली हमारा जूम आउट एनिमेशन रेडी है, एक बार प्ले करते हैं। वाओ इट्स प्रीटी गुड राइट। अभी कुछ काम बाकी है, वेट करो और भी बेटर बनेगा। तो लाइक इस जगह पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, लाइक टाइप कर देता हूँ सब्सक्राइबर, और फिर इसका फॉन्ट को भी चेंज कर लूँगा। एंड देन एनिमेशन में जाके ए वाला एनिमेशन को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब करना ये है कि इन ऑप्शन को साइड करके इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक डुप्लीकेट टेक्स्ट आ गया। अब इसकी बस एनिमेशन को चेंज कर दूंगा, लाइक यहाँ से मैं स्लाइड डाउन को ले लेता हूँ। अब जो पहले वाला टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो। तो बस यार अब बारी आती है इफेक्ट डालने की, तो सिंपली क्लिक करता हूँ इफेक्ट पे, अगेन वीडियो इफेक्ट पे, और इस ट्रेंडिंग सेक्शन से ये फायरप्लेस वाला इफेक्ट को ले रहा हूँ, और फिर थोड़ा एडजस्ट भी कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे ये फिल्टर जो है ना इसको पूरा जीरो कर देना है। अब इतना हो जाए तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑल वीडियो पे क्लिक कर देना है, तो तुम्हारा जो इफेक्ट है वो पूरा वीडियो में लग जाएगी। तो बस एक इफेक्ट लग गया, अब एक और ऐड करना है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये कि इस वीडियो में देखोगे तो जो शेक हो रहा है वो टेम्पलेट्स में हो रही है, बैकग्राउंड में नहीं। तो इसको करने में तुम्हें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना एंड फिर एक शेकिंग इफेक्ट को डालना है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। लाइक यहीं पर तुम्हें मिलेगी रिबाउंड करके, इसको ऐड कर लेना है। अब जैसे कि तुम्हें पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट करके ए वाला इफेक्ट डाल दिए हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा वीडियो रेडी है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सेम टू सेम बनाने की, तो मैं इस इफेक्ट को ऐड किया हूँ। अब सिंपली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसको इस टेम्पलेट पे सेट कर दूंगा एंड इसके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यही प्रोसेस सब टेम्पलेट में लगेंगे, सो मैं फटाफट से करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, एक कैमरा शटर ओवरले, इसको तुम बड़े आराम से यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको एज अ ट्रांजेक्शन यूज करना है जहाँ पे टेम्पलेट्स चेंज होगा, तो लाइक यहाँ से टेम्पलेट्स चेंज हो रहा है तो इसको यहाँ पे ले आके एडजस्ट कर दूंगा। अब सिंपली नीचे से साइड स्क्रॉल करके जाऊँगा एडजस्ट के अंदर और यहाँ से HSL पे क्लिक कर देता हूँ एंड फिर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को -50 पे कर लेता हूँ। इतना हो जाए तो इसको ओके करो और फिर चले जाओ ब्लेंड के अंदर और फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ कि किस में बेटर दिखेगा। तो ये काफ़ी सही दिख रही है, लाइक थोड़ा सा ओपेसिटी को कम करके भी देख लेता हूँ। बस हो गया, अब ऊपर से एक शेडो PNG को डाल देता हूँ। नाउ दिस इज द रिजल्ट विच आई मेड। ओके, तो तुम इस क्लिप को देखो, ए वाला एनिमेशन काफ़ी ट्रेंड में है एंड आई एम श्योर कि इसको क्रिएट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक PC चाहिए, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ऑन मोबाइल। अब इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे बनाने के लिए 3 एप्स की जरूरत पड़ेगी, एक कैपकट, दूसरा PixelLab और एक KineMaster। अब KineMaster एंड PixelLab में ज़्यादा काम नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो सबसे पहले PixelLab को ओपन करके एक 3D लोगो तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लोगो को ऐड किया हूँ, अब सिंपली एक टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं मनी टाइप कर देता हूँ, देन जाता हूँ फॉन्ट में और ए वाला फॉन्ट को ले लूँगा, देन कलर में जाके ग्रीन कलर को ले लेता हूँ। अगर इसमें शेडो दे दूँ तो और बेटर हो जाएगा, तो शेडो में जाके ग्रीन कलर को ले लूँगा एंड नाउ इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये लेयर पे टाइप करके ये दोनों को एक साथ मर्ज कर देना है लाइक दिस। इतना हो जाए तो इधर से 3D रोटेट में जाके इसको कुछ इतना पे रोटेट कर लूँगा। तो बस इसका काम हो गया, अब इसको यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट करके सेव टू गैलरी कर दूंगा। नाउ ओपन द KineMaster। यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड किया हूँ जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस लेयर पे क्लिक करके मीडिया से लोगो को लेके आता हूँ जो मैंने अभी बनाया था PixelLab में। इसको एकदम अच्छे से सेट करना है एक साइड में। अब अगेन दूसरा मैं लेके आता हूँ, अब इसको दूसरी साइड में एडजस्ट कर दूंगा। मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा छोटा ही रखना। अब लेके आऊँगा अपने कैरेक्टर को, मैं एग्जांपल के तौर पे ए वाला कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सेम ट्यूब सेंसी जैसे कैरेक्टर बनाना हो तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कर सकते हो। अब अगेन लेयर पे क्लिक करके हैंड राइटिंग में जाता हूँ और फिर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से ए वाला स्ट्रेट लाइन को ले रहा हूँ
अब सिंपली ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस एंड फिर इन एनिमेशन में जाके ड्रॉ इन ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। इसी के साथ आउट एनिमेशन से फेड को सिलेक्ट कर लूंगा। अब अगेन दूसरा भी ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से। इतना हो जाए तो इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा। इतना हो जाए तो बस इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे काइन मास्टर का काम खत्म होता है। सिंपली कैपकट को ओपन कर लेना है एंड उसी वीडियो को ऐड करना है। वीडियो ऐड हो जाए तो इसको सबसे पहले इस तरीके से जूम कर लो एंड देन इसको आगे करके चेक कर लूँगा कि कहाँ से लाइन निकल रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ से लाइन निकलना स्टार्ट हुआ है। तो इससे थोड़ा पीछे जाता हूँ एंड यहाँ से एक की फ्रेम दे दूंगा। फिर थोड़ा और आगे करता हूँ और इस वीडियो को इस साइड में कर लूँगा एंड देन फिर से थोड़ा और आगे स्लाइड करके वीडियो को दूसरी लोगों के साइड में शिफ्ट कर दूंगा। अगेन इस पार्ट पे कैरेक्टर को मिडल में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा स्मूथ एनिमेशन देने के लिए ग्राफ आइकन पे टैप करके ईजी आउट 3 एनिमेशन को ऐड कर लूँगा। अगेन इसमें भी सेम चीज़ कर देता हूँ। सो लो भाई हमारा एनिमेशन रेडी है। अब ए वाला एनिमेशन तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितना प्रो लेवल पे डिजाइन की गई है। और मजे की बात बताऊं तो ये सबसे ज्यादा इजी है। एज यू कैन सी कि एक ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूं। अब यहाँ पे तुम्हें सिंपली टेक्स्ट ऐड करना है लाइक टाइप कर देता हूँ जेल ब्रेक। अब जहाँ पे तुम लेंस को एनिमेट करना चाहते हो वहाँ पे इस टेक्स्ट को प्लेस करना है। टेक्स्ट को छोटा बड़ा जो भी रखना चाहते हो ऐड करते जाना। तो लाइक मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड कर लिया हूँ। अब करना ये है कि सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। जब वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो अगेन जाना उसी प्रोजेक्ट पे जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर रहे थे। अब यहाँ से इन टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। इतना कर लो तो जो टेक्स्ट वाला वीडियो था उसको ऐड करना है। वीडियो ऐड तो हो गया लेकिन फुल स्क्रीन पे नहीं है तो लाइक इसको खींच के इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इतना होने के बाद नीचे से स्लाइड करके मास्क वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड यहाँ से सर्कल शेप को ले लेता हूँ। अब इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इसको यहाँ पर प्लेस करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दूंगा एंड देन इस पार्ट पे आके इसको इधर कर लेता हूँ। अगेन इस पार्ट पे आके इसको यहाँ पे कर दूंगा। इतना हो जाए तो एक ग्राफ आइकन पे टैप करके इजी आउट 3 एनिमेशन को ले लेता हूँ। अगेन इस जगह पे भी सेम एनिमेशन दे दूंगा। अब ज़रूरत पड़ेगी एक लेंस PNG की सो ऐड करता हूँ। अब जो मास्क वाला टाइमलाइन पे जो की फ्रेम पॉइंट दिख रही है उसके हेल्प से इसको एनिमेट करेंगे। लाइक इस पॉइंट पे एक की फ्रेम दूंगा। अगेन अब दूसरा पॉइंट इधर है तो यहाँ पे खींच के कर लेता हूँ। नाउ अगेन इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर देता हूँ। फिर से अब वही वाला एनिमेशन दूंगा ग्राफ सेक्शन से। सो बस अब रेडी हो गया है। सिंपली अब अपने कैरेक्टर को लेके आओ। अब तुम देख ही सकते हो। ओके तो टीप सेंसी की वीडियो में इस टाइप से हैंड गेस्टर को एनिमेट किया गया होता है विच मेक्स मोर विजुअल अपीलिंग। सो लेट्स सी। ओके तो यहाँ पे करना ये है कि गूगल से हैंड गेस्टर को डाउनलोड कर लेना। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ तो उसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसको लाइक यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ लाइक दिस एंड फिर टाइमलाइन को भी एडजस्ट करते चलूंगा। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ लाइक थोड़ा सा पार्ट अंदर रख लूँगा बिकॉज की फ्रेम भी ऐड करना है। अब अगेन इसको यहाँ पे जाके कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। अगेन कॉपी करूँगा और फिर इसको अब की बार फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि इसको दूसरी साइड में एडजस्ट करना है। सो उसके लिए इधर से जाऊँगा एडिट में और सिंपली मिरर पे क्लिक कर दूंगा। अब तुम देख सकते हो कि सक्सेसफुली फ्लिप हो गया है। देन इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करके प्लेस कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे सारे हैंड गेस्चर को ऐड कर लिया हूँ। अब पहले गेस्चर से स्टार्ट करता हूँ। सिंपली इन सारे हैंड को पीछे कर देना है हाइड करके लाइक दिस। देन फर्स्ट गेस्चर के स्टार्टिंग पोजिशन पे एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड अगेन इन तीनों में सेम जगह से की फ्रेम ऐड कर लूंगा। अब थोड़ा सा जगह चेंज करके फर्स्ट गेस्चर को आगे कर लेता हूँ
अगेन इन तीनों में सेम चीज़ करना है, लाइक सेम जगह से इन तीनों को आगे कर लूँगा कुछ इस तरीके से, एंड देन फिर से जगह चेंज करके फर्स्ट वाला को बिल्कुल थोड़ा सा आगे साइड में शिफ्ट कर दूंगा। और फिर से इसमें भी कर देना है। अब इस पॉइंट पे हैंड को पीछे खींच लेता हूँ। अगेन ये चीज़ मैं सारे गेस्चर में अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे एनिमेशन देना है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैंड गेस्चर पे। अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे एनिमेशन दे देता हूँ, तो फिर से वही वाला एनिमेशन मीन्स इजी आउट 3 को ऐड कर लूँगा। अब नीचे के गेस्चर में भी वही करूँगा। देन ए सेकेंड की फ्रेम के बीच में बाउंस 3 एनिमेशन को ले लूँगा। फिर से इसी पे एक बार टैप करके लाइक इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर स्मूथ एनिमेशन बन जाए। अब सेम चीज़ बाकी के गेस्चर में भी फटाफट से कर लेता हूँ। अगेन इस वाले पार्ट पे इजी इन 2 एनिमेशन को ले लूँगा। अगेन सब में अब रिपीट कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे सारा काम फिनिश हो गया। नाउ लेट्स प्ले द फाइनल आउटपुट। ओके सो ये वाला ग्लो कैरेक्टर ट्रांजिशन काफ़ी सही लगा, तो चलो फिर बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए एक इमेज चाहिए कुछ ऐसा वाला। अब ये जो पर्सन है इसको हमें बाहर निकालना है, तो इसके लिए बैकग्राउंड रिमूव कर लेना, तो लाइक मैं ऑलरेडी रिमूव कर लिया था। ओके तो यहाँ पे मैं पिक्सेल ऐप को ओपन किया हूँ। अब सिंपली उस मैन PNG को लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ सर्कल पे क्लिक करके कलर में जाऊँगा एंड यहाँ से इसको इनेबल कर लेता हूँ। देन करना ये है कि यहाँ से मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। देन इस प्लस पे क्लिक करके थर्ड स्लाइडर को थोड़ा सा पीछे स्लाइड कर देता हूँ एंड अभी कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, बट थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ। इतना हो जाए तो इसमें और ग्लो देने के लिए यहाँ से शेडो सेटिंग में जाते हैं एंड फिर येलो कलर को पिक कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। देन इतना काम होने के बाद इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके सेव टू गैलरी कर दूंगा। सो फाइनली ग्लो कैरेक्टर रेडी है। नाउ बैक टू द कैपकर्न एंड तुम देख सकते हो कि एक वही वाला इमेज एंड एक दूसरा वीडियो को ऐड किया हूँ। अब जो पिक्सेल लैब में ग्लो कैरेक्टर बनाया था उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इस कैरेक्टर को सिंपली मैच करना है इस इमेज के साथ। इतना हो जाए तो इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर देना है। लाइक इसको मैं सेकेंड वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन पर सेट कर दूंगा। सो अभी प्ले करके देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से एनिमेशन तुम कैसे बना सकते हो और ये चीज़ सेकेंड टेक्निक से काफ़ी मिलती जुलती है। सो लेट्स सी। सो अगेन काइनमास्टर को ओपन करके एक ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड किया हूँ। अब सिंपली इस बैकग्राउंड को जितना हो सके जूम आउट रखना। अब यहाँ पे मैं फटाफट से कुछ PNG को ऐड कर लेता हूँ। लेट से मुझे ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट करना हो तो सिंपली इन PNG को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। अब चाहो तो इन PNG में एनिमेशन ऐड कर सकते हो, तो लाइक इसके लिए पॉप वाला एनिमेशन ले लेता हूँ। इतना कर लो तो लेयर पे जाके हैंडराइटिंग से एक शेप को ड्रॉ कर देना है एंड फिर इन एनिमेशन में जाके ड्रॉ इन ऑर्डर को ऐड कर लूँगा। देन यहाँ से इसको सिंपली सेंड टू बैक कर दूंगा। अब इसका काम हो गया। अब इसी में एक और एनिमेशन बना के बता देता हूँ। यहाँ पे इन PNG को कॉपी कर लेता हूँ पहले। देन इसको इधर को एडजस्ट करूँगा। नाउ अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से। इतना हो जाए तो बस इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके सो अब उस वीडियो को मैं कैपकट में ऐड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे सिंपली की फ्रेम के हेल्प से एनिमेट कर देंगे। तो पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ इस पार्ट पे। देन एक की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा। अब इस जगह पे आके एंड इस वीडियो को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ लाइक दिस। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अपना पोजीशन सेट करके ग्राफ आइकन पे टैप करता हूँ और यहाँ से ए वाला एनिमेशन को ले रहा हूँ। सो उतना बेटर नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा और कस्टमाइज भी कर लेता हूँ। नाउ प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें भी वैसे ही करना है। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। सो दैट्स इट। इन टेक्निक्स को फॉलो करके एक बेस्ट पॉसिबल वीडियो बनाओ एंड ग्रो कर जाओ। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे ग्रोथ में ए लेफ्ट वाली वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो क्लिक करके देखना मत भूलना। बाय।